सिंधिया की नाराजगी खबर सुन बीजेपी हाईकमान ने भेजा अपना दूत। इंदौर में शिवराज और सिंधिया के बीच हुई मीटिंग। बीजेपी ने मानी सिंधिया की मांग, समर्थक मंत्रियों को नहीं हटाएंगे शिवराज। विधानसभा चुनाव में भी सिंधिया समर्थकों को मिली टिकट की गारंटी। सिंधिया के आगे बीजेपी का सरेंडर। महाराज और शिवराज के बीच शीत युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध के संकेत महाराज और शिवराज समर्थक विधायकों के बयानों में दिखाई देता है। वैसे सिंधिया और शिवराज तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनके समर्थक बहुत कुछ कह जाते हैं। शिवराज इस बार सिंधिया की मेहरबानी से ही सीएम बने हैं, क्योंकि सिंधिया की बगावत के चलते ही प्रदेश में सरकार बदली और कमलनाथ की जगह शिवराज की सरकार बन गई। लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच तल्खी देखी जा रही थी। खासतौर पर पिछले दिनों ग्वालियर में जीवाजी क्लब पर छापेमारी हुई तो जमकर बवाल मचा। सिंधिया समर्थकों को समझ में नहीं आया कि पुलिस ने ये किसके शह पर किया। कांग्रेस शासनकाल में कभी भी जीवाजी क्लब में घुसने की ताकत पुलिस नहीं जुटा पाई। इससे पहले भी बीजेपी की तमाम सरकार रही, लेकिन तब भी पुलिस जीवाजी क्लब से दूर रही। और इस बार पुलिस घुसी भी तो ताश खेलने के मामूली खबर पर। पुलिस ने ताश खेलते जिन व्यापारियों को पकड़ा उनके खिलाफ कोई बड़ा केस नहीं बनाया। वैसे मामला बनता भी नहीं था, इसलिए व्यापारियों को तुरंत जमानत मिल गई। लेकिन इससे ग्वालियर में सिंधिया की इज्जत को जरूर बट्टा लग गया। इसके साथ ही सिंधिया खेमे के कुछ मंत्रियों पर भी गंभीर आरोप लग रहे थे। इन सब खबरों के चलते एमपी की राजनीति में अटकलें तेज हो गई थी कि शिवराज सिंह चौहान अब ज्योतिरादित्य सिंधिया घेराबंदी करने में जुटे। मनमुटाव खबर बड़ा रूप ले कि बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को इंदौर भेज दिया, और इंदौर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बहुत कुछ कह रही हैं। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि जो भी तल्खी थी वो दूर हो गई है। वैसे कांग्रेस इस मुस्कान के पीछे भी सवाल उठा रही है। एक तस्वीर पर शिवराज और सिंधिया खुलकर मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, साथ में जीतू पटवारी भी चलते दिख रहे हैं। तीनों के ही चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है, चेहरे पर चमक भी दिख रही है, दोनों के बीच पैचअप हो गया है। तो दूसरी तस्वीर में धर्मेंद्र प्रधान शिवराज और सिंधिया के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर में भी तीनों के चेहरे पर खुशी दिख रही है। एक तस्वीर में धर्मेंद्र प्रधान की शिवराज और सिंधिया के साथ बंद कमरे में बैठक भी हो रही है। दावा किया जा रहा है कि इस बैठक में ही सुलह का फॉर्मूला तैयार किया गया है और इसका असर जल्दी दिखाई भी देगा। ग्वालियर चंबल रीजन में सिंधिया के जो काम रुके हैं वो जल्दी पूरे हो जाएंगे। संकेत इस बात के भी हैं कि जल्द ही शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं। इस विस्तार में सिंधिया समर्थक कुछ मंत्रियों की छुट्टी होना तय माना जा रहा था, लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि कुछ सिंधिया समर्थक मंत्रियों को सरकार में शामिल किया जा सकता है, लेकिन इन सब के नुकसान सिंधिया को ही होता दिख रहा है। दरअसल सिंधिया की सबसे बड़ी चिंता थी कि वो मंत्रिमंडल विस्तार और विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर थी। सिंधिया अपने समर्थकों के लिए मंत्रिमंडल में जगह और चुनाव में समर्थकों के लिए टिकट सुरक्षित कराना चाहते हैं, और हाईकमान ने भी अब सिंधिया की कुछ मांगों को मंजूर कर लिया है। मंत्रिमंडल विस्तार में सिंधिया समर्थक मंत्रियों को बने रहने दिया जाएगा। एक या दो मंत्रियों के इस्तीफे लिए जा सकते हैं, लेकिन उनकी जगह सिंधिया समर्थकों को ही जगह दी जाएगी, और जिन विधायकों के टिकट कटेंगे उनकी जगह किसी सिंधिया समर्थक को ही टिकट दिया जाएगा। खासतौर पर ग्वालियर चंबल रीजन में सिंधिया की ही चलती दिख रही है, और यही इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।